शिवपुरी जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 दिन पहले बाल सुधार गृह से भागे 2 नाबालिग बच्चों को ग्वालियर जीआरपी से दस्तियाब करने में सफलता हासिल की। बरामद हुए बच्चों को पुलिस ने बाल सुधार गृह की अधीक्षिका को सुपुत्र किया। कोतवाली थाना प्रभारी विनय यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को बाल सुधार गृह की अधीक्षिका ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि बाल सुधार गृह से 2 बच्चे छावनी स्कूल में पढ़ने गए थे। जब वे वापस नहीं लौटे तो अधीक्षिका ने पुलिस को बताया कि बच्चों को सब जगह तलाश किया लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। अधीक्षिका की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि बच्चों की तलाश में पुलिस ने 3 टीमें गठित की हैं। गहराई से पड़ताल कर नाबालिग बच्चों को ग्वालियर जीआरपी से दस्तयाब कर लिया है। दिनांक 10 तारीख को बाल गृह के अधीक्षिका द्वारा सूचना दी गई कि हमारे बच्चे जो छावनी स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो बिना बताए कहीं चले गए। इसकी रिपोर्ट पर से थाना पर 363 अज्ञात अपराधा के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया था। बाद तत्काल 3 टीमें बनाकर संबंधित कैमरे टावर लोकेशन चेक की गई तो उनके आधार पर दोनों बच्चे रेलवे स्टेशन शिवपुरी की तरफ जाते दिखे। उनकी तस्दीक आगे की गई और कैमरों की मदद से वीआरपी ग्वालियर में दस्तयाब हुए, इनको बरामद कर वापस लाया गया और बाल संरक्षण गृह को सुपुर्द किया। बाल सुधार गृह में सबसे ये करीबन 1.5 साल से।